हेलो दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम सरकार का ये लेटर देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग में कहा गया है कि जो वंचित रहे, जो पहले जिसमें सर्वे हुआ था उसमें जो वंचित रह गए बेसहारा जो परिवार थे, केवल उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो जिन्होंने पहले करवा लिया है उन लोगों के लिए जरूरत नहीं है, और जो आज भी खाद्य सुरक्षा की मांग कर रहे हैं या जिनका अभी भी रजिस्ट्रेशन किसी भी योजना में नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए सर्वे फिर से किया जा रहा है। तो इसके लिए मेरा वीडियो पूरा देखें और समझें कि जो सर्वे में शेष रह गए थे, इससे पहले अधिकतम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और 10 किलो गेहूं प्राप्त कर लिया था। तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीक वाले जो ई मित्र हैं वहाँ से आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना जन आधार कार्ड और आधार कार्ड और साथ में जुड़ा हुआ मोबाइल साथ लेके जाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी राजस्थान के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो कोरोना से प्रभावित हैं कि उन लोगों के लिए एक नई न्यूज आ रही है कि प्रदेश में 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को एक एक हजार रुपए देंगे और शहरों में अब फिर से चलेंगी सिटी बसें। तो ये दैनिक भास्कर की जो न्यूज है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जिसमें मिलेगा आपको नवंबर तक मिलेगा राशन की भारत सरकार की जो योजना है उसमें गरीब कल्याण योजना, उसके अंतर्गत नवंबर तक मिलेगा राशन। तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन नॉन NFSA योजना में अपना नाम जुड़वाएं, आज इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी जल्दी ई मित्र पर संपर्क करें। तो पहले इसकी हम न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई हुई है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्रदेश में 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को एक एक हजार रुपए देंगे। तो आपके मन में डाउट होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे, तो आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय भवन व अन्य सह निर्माण श्रमिक, निराश्रित, असहाय, स्ट्रीट वेंडर सहित वे परिवार शामिल होंगे जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वो है कि जो बीपीएल वगैरह जो अभी तक नहीं है, इनके अलावा वे परिवार, मतलब वो परिवार भी होंगे जिनको बीपीएल वगैरह है या जो नॉन NFSA में आता है, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही राशन लिया है, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसमें उन नागरिकों को, उन परिवारजनों को एक एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके आगे की ये कौन इसकी योजना के लिए आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेहूं वितरण की योजना में नाम जुड़वाने के लिए अंतिम अवसर है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या राशन ले लिया है, तो उनको ये दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। और कब करवाना है, तो इसकी आज ही लास्ट डेट मान के चलें, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वो लास्ट डेट ही है, क्योंकि ये केवल 2 दिन के लिए ओपन किया गया है। तो जो भी गरीब लोग हैं या जो राजस्थान के हैं, राजस्थान के बाहर के निवासी हैं, वो कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के राशन ले सकते हैं। पिछले महीने ही 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और 2 किलो चना प्रति परिवार मिला है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेयर सलून में काम करने वाले कार्मिक हैं, या कपड़े धोने वाले, धोबी है, सफाई करने वाले, रद्दी बीनने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले, तो ये सब इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसका एक सर्वे किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 1,000 रुपये की आर्थिक मदद पाएं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी